पहले जाबिरों के कानून की ऐसी तैसी, तुम्हारे नेब की भी ऐसी तैसी, हमें आजमाया ना क्या करो, हम गले पड़ जाएंगे और हम आजकल गले पड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि फिर लेने के देने पड़ जाएं कल आप। हमें मत आजमाओ, हम गले पड़ जाएंगे और हम गले पड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान फटपड़े, नैब को ऐसी की तैसी करने की धमकी दे दी। मौलाना हुकूमत के खिलाफ सियासी जंग की तैयारी के लिए मरियम नवाज से मिलने जाती उम्रा पहुंच गए। इदारों से तसादुम के तासुर को गलत करार दे दिया। बोले कारवां चल पड़ा, तब्दीली नजर आएगी। गद्दारी का मुकदमा बनाने वाले गद्दार हैं और हम बगावत के मुकदमे को जूते की नोक पर रखते हैं। ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है, गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। सरेंडर किया ना वारंट वसूल किए, अब इश्तेहार छपेंगे, लाउड स्पीकर पर ऐलानात होंगे। इस्लामाबाद में एवनफील्ड और अलाजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बजरिया इश्तेहार तलबी का हुक्म जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत को दो दिन में इश्तेहारात के खराजात जमा कराने की हिदायत। आप एक तो हमें बताइए आप वापस ले रहे हैं, और पहले उससे पहले ये बताया आपने रजिस्टर क्यों किया? आपसे हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, ना जमात से ना किसी फर्क से। SHO साहब, बगावत का मुकदमा क्यों दर्ज किया? शरीफों के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर शादरा थाने पहुंचे और खुद थानेदार बन गए। SHO से तफ्तीश करने लगे, थानेदार ने भी बता दिया। दरख्वास्त शहरी ने दी, कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होगी। मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगु में कहा, हमें मुकदमा से कोई खौफ नहीं। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे, तो किसी को हमें डर खौफ नहीं है। अपोजिशन करप्शन छुपाने के लिए इदारों की साख दांव पर ना लगाए। शिबली फराज का मशवरा एक बार फिर वाज़े कर दिया कि बगावत के मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कहा अपोजिशन चौक से इस्तीफा दे, हम कबूल भी करेंगे और इलेक्शन भी करवाएंगे। इन सबके मफादात मुख्तलिफ हैं, इस्तीफा देना आसान नहीं है। हम तो ले लेंगे और हम कबूल भी कर लेंगे और हम दोबारा इलेक्शन भी कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसमें हमें कोई शक नहीं। साबिक वजीर आजम का मौजूदा वजीर आजम पर मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, गद्दारी का केस आवाम के सामने खुली अदालत में चलाएं। ये भी बताएं हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है? गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं, गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ, मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ। मखदूम अमीन फहीम के साहबजादे मखदूम जलीलुज़्ज़मां सिक्का बंद करप्ट निकले, प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की, एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। मखदूम जलीलुज़्ज़मां ने 1.5 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर भी नैब को जमा करवा दिया। पीपी रहनुमा 10 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। कराची के जजीरे किसकी मिल्कियत? सिंध और वफाक आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। तरक्याती काम का इजाज़तनामा भी वापस ले लिया। शिबली फराज कहते हैं, सिंध हुकूमत खुद काम करती है, ना ही दूसरों को करने देती है। हर कीमत पर अमन इस्तेहकाम हासिल करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद, अहले खाना से ताजियत और फातह खानी की। सिपा सालार की अहलिया भी हमराह थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दालें महंगी नहीं होंगी, हुकूमत ने तजवीज़ वापस ले ली। आवाम को आटा बहरान से बचाने के लिए 3,00,000 मेट्रिक टन से जायद गंदम दरामद करने की इजाज़त। इक्तिसादी राबता कमेटी ने ओगरा की मुखालिफत के बावजूद नए CNG स्टेशंस को लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत पाने वाले रहमान भोला और जुबैर शरिया ने फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में हलाकतों का जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान को करार दिया। अदालत से सजा कलदम करार देने की अपील। कराची में बच्चे भी असलहे के जोर पर डकैतियां करने लगे। नॉर्थ कराची में कम उम्र बच्चों ने 2 शहरियों को लूट लिया, असलहा लहराते रहे, शहरी पर तशद्दुद भी किया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई।
व्हाइट हाउस के बाद पेंटागन पर कोरोना का वार। सदर ट्रंप से रابطे में रहने वाले कई जनरल्स वायरस में मुब्तला होकर आइसोलेशन में चले गए। जर्मन पार्लियामेंट में अरकान के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। अगर आप सफेद नहीं होंगे, अगर आप चिट्टे नहीं होंगे तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करती है, कैंपेन बदलने की जरूरत है कि आप जरूर अपनी प्रोडक्ट बेचें, लेकिन इसमें से ये कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट जो है वो निकाल दें। और चिट्टे नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी, ये पैगाम देना गलत है, क़िबला दुरुस्त कर लें। वफाकी वज़ीर सरताज गुल ने रंग गोरा करने वाली क्रीमें बनाने वाली कंपनियों को पैगाम दे दिया।